17 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, जो कि 2 अक्टूबर को चलेगी। पितृपक्ष के दूसरे दिन ही चंद्रग्रहण का साया रहेगा। इसके अंदर सूतक मान होगा कि नहीं, आइए जानते हैं उज्जैन के पंडित से। भारत में भारतीय हिंदू धर्म में खगोलीय घटना को भी बड़ा महत्व दिया गया है तथा तारा गणों को तथा सूर्य आदि ग्रहों को भी अलग अलग महत्व दिया गया है। उसी प्रकार हर साल कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है, वो आता है। तो हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की मान्यता है कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसमें देवताओं का पूजन वर्जित कहा गया है। इसी समय ऐसा ही योग बन रहा है कि श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। चंद्र ग्रहण श्राद्ध पक्ष की प्रतिपदा 18 सितंबर को आ रहा है। इसमें श्राद्ध भी प्रारंभ हो गए और श्राद्धों के बीच में ही आ रहा है, तो लोगों में अधिकतर मान्यता है कि ग्रहण के समय में देवी कार्य तथा पैतृक कार्य शुभ कार्य आदि नहीं करना चाहिए। तो उसी समय यह ग्रहण का अगर समय देखेगा मान्यता के अनुसार माने कि जहाँ पर ग्रहण दृश्य होता है वहाँ पर उसका सूतक माना जाता है किया जाता है। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि यह पृथ्वी एक है, चंद्र एक है, तो उसी प्रकार कोई पृथ्वी पर मान्य होना चाहिए। तो इसी प्रकार इस मान्यता को देखते हुए अगर पितृपक्ष में हम तर्पण करते हैं, दान करते हैं, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध आदि अर्पण डालते हैं, तो इसका चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण का समय बताया गया है। चंद्र ग्रहण का समय 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक रहेगा। इस प्रकार इस समय अगर पितृकार तर्पण कार्य अगर कर रहे हैं, श्राद्ध कार्य धूप आदि कर रहे हैं, तो यह समय को त्याग कर करके जब चंद्र ग्रहण का मोक्ष काल हो जाए उसके पश्चात पितृ देवताओं के लिए तर्पण करें तथा उनको नैवेद्य भोग आदि श्राद्ध जो भी करना है, धूप आदि देना है, वो कार्य अपन पितरों का करें तो पितृ की प्रसन्नता रहेगी। और श्राद्ध में जो चंद्र ग्रहण आ रहा है इसका भी देखने को लोगों के लिए अलग अलग मान्यता भी कही गई है। कोई लोग कहेगा कि बड़ा अच्छा शुभ संकेत है, तो कोई अनिष्ट बताएंगे। इस प्रकार अपनी अपनी मान्यता के अनुसार व्यक्ति ध्यान देता है, अलग मान्यता इस ग्रहण को ग्रहण के बारे में देखने को मिलती है। ये भारत में दृश्य होगा कि नहीं? ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, अन्य क्षेत्रों में दृश्य रहेगा।